इंटरफेरेंस के क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि हाँ इंटरफेरेंस के क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, कल पढ़ाऊंगा पोलराइजेशन। ठीक है, आज इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पर बेटा हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। चलिए, कह रहा बेटा क्वेश्चन में यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इन YDAC, बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा, इन YDAC वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर, इनमें से मतलब दो स्लिट में से वाइडर देन अदर। ठीक है बेटा, अच्छा भाई, सो दैट आराम से सुनना, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट इज डबल, और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल ऑफ दैट फ्रॉम अदर स्लिट। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। अब कहता है If I am the maximum intensity, then find the resultant intensity. Then find the resultant intensity at phase difference phi. आराम से, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन देंगे घबराना मत कि बहुत सारा लिख दिया है, क्वेश्चन बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, ऑप्शन में लिख देता हूं, I am by 3 1 plus 2 cos square 5 by 2, ऑप्शंस मैंने दिया है I am by 5 (1 + 4 cos² 5/2), थर्ड ऑप्शन दिया I am by 9 (1 + 8 cos² 5/2), और लास्ट दिया बेटा I am by 9 (4 + 5 cos 5). देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसको घबराना नहीं है बल्कि समझना है। आज क्वेश्चन कराऊंगा इंटरफेरेंस का, जिससे आपको डर खत्म होगा। इससे पहले लेक्चर में दो जो सवाल था उसमें एक सवाल तो बिल्कुल अजीबोगरीब था, है ना, जिसका हम लोगों ने आंसर वैसे तो नहीं बना था। मैंने बोला था बेटा इसको देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अपने तरीका लगाया होगा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस से बहुत अलग होगा, और दूसरा जो सवाल था उसमें करेक्शन था। आज जो सवाल है बेटा वो सिंपल है, YDAC लॉयड सबके क्वेश्चन पूरे इंटरफेरेंस के बनाएंगे, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलता, एक आध दो होते हैं इधर उधर, उससे परेशान नहीं होना है। चलिए इसको ट्राई करिए, पॉजिटिवली ट्राई करिए, और नहीं बनता है अभी बताएंगे। When YDAC, one of the slit is wider than other, so that the amplitude of light from one slit is double of that from other slit, IM is the maximum intensity, then find the resultant intensity at phase difference phi. The phase difference phi है, तो बताइए resultant intensity कितना होगा? Maximum intensity IM. Try yourself, डरना नहीं बेटा, पहले positively try करो, positively इसको try करो।
चलिए मैं बताऊं, चल घबराना नहीं। बस देखो सबसे पहली बात तो बेटा, इन YDSC वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर, मतलब बेटा स्लिट दोनों इक्वल नहीं है। अगर स्लिट इक्वल नहीं है तो इंटेंसिटी अलग होगी। सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल दैट ऑफ अदर। देखो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था बेटा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोर्शन होता, मतलब ये जो स्लिट है और ये दूसरा स्लिट, तो यहां पर जो है एक से एम्पलीट्यूड मान लो ए निकल रहा है, बोला है ना एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल दैट ऑफ अदर। अगर ये ए है तो दूसरा 2a होगा, यानी दोनों जो लाइट वेव सुपर इम्पोज होंगे उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। अपन लोग मान लेंगे आई वन और आई टू, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा ऐसे लिखेंगे ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आई वन अपॉन आई टू, आई वन ये ए है तो ए स्क्वायर, आई टू के लिए 2a तो 4a स्क्वायर। तो यहां पर बेटा आई टू बराबर हो गया 4i1। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, यहां तक तो हमने लिख लिया। चलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले लिखे, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैंने आपको बता रखा है √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है। मैंने बताया था बेटा अगर एक स्लिट से i1 इंटेंसिटी दूसरे से i2 तो √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। चलिए हम एक काम करते हैं, i2 की वैल्यू 4i1 रख देते हैं, ये i1 है बेटा और ये 4i1 है, i2 यहां पर है वहां 4i1 यूज करेंगे, तो यहां रख देते हैं √i1 और i2 की वैल्यू कितना बेटा जल्दी बताइए। तो i2 की वैल्यू कितना है 4i1, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2√i1 का होल स्क्वायर, और देखिए √i1 और 2√i1 कितना होगा बेटा 3√i1 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 का स्क्वायर 9i1। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, ठीक है डरना नहीं है, पहले यहां तक लिख लो बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा लिख लो पहले, आराम से यहां तक पहुंचो, अभी क्वेश्चन बना रहा हूं। तो मैं ऊपर ये क्वेश्चन मिटा दूं, क्वेश्चन मिटा दूं क्या, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है जरा देखिए, आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, 30 सेकंड रुक रहा हूं मैं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं लिखा है क्वेश्चन पहले लिखिए, मैं इसे मिटाने वाला हूं। जल्दी प्लीज, चलो क्वेश्चन मिटा रहा बेटा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, अब इसका जवाब देख रहे हैं हम लोग। अगर आप देखें बेटा तो ये 9i1 है, मुझे रिजल्टेड इंटेंसिटी निकालना है, रिजल्टेड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था i1 + √i2 cos φ, ऐसे करके मैंने समझाया है, समझाया है बच्चों। तो i1 i2 की वैल्यू 2 √i2 की वैल्यू कितना 4i1 है ना, तो 4i1 + √i2 4i1 का ये φ2 है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया √i1 × cos φ। अच्छा भाई अब i1 और 4i1 इज द 5i1, चलो सर ये 5i1 हो गया और ये कितना होगा 2 × 4 = 4 √i1 i1 cos φ। अब यहां पर बेटा i1 की वैल्यू im के टर्म में लिख लो। अच्छा देखो तो i1 बराबर im/9 होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में im दिया गया, i1 थोड़ी दे गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी im है और सारे ऑप्शन देखो im के टर्म्स में है, तो मैं यहां पर बेटा जहां जहां i1 वहां im/9, यहां से i1 कॉमन ले लो तो i बराबर हो जाएगा, i1 कॉमन हो जाएगा im/9 ब्रैकेट में i1 कॉमन हो गया 5 बचेगा 5 + 4 cos φ,
ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है जरा चेक कर ले पहले। आई एम बाई नाइन तो ये गड़बड़ ये आई एम बाई नाइन 4 + 5 cos 5। अरे नहीं है 4 + 5 cos 5। अरे यहाँ तो 5 + 4 cos 5 है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये लाने का प्रयास करते हैं। जानते बेटा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा जान लो क्या 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4। यस, तो 1 + 4 ब्रैकेट में 1 + cos 5 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओ क्या 5 को लिख सकता हूँ 1 + 4। अब 4 और 4 ये वाला 4 कॉमन हो गया 1 + cos 5। अब 1 + cos θ होता है 2 cos²θ/2 होता नहीं होता। तो यहां लिखेंगे I am by 9 और सोच के देखो बेटा, दिमाग लगाओ 2 cos²θ/2 2 × 4 = 8 cos²5/2 कमाल हो गया हमारा आंसर, ये आ गया, दिस इज आवर आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो I am by 9 1 + 8 cos²5/2 दिस इज आवर थर्ड ऑप्शन, वेरी सिंपल। लिखो जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, छोटे भाई पानी पानी पिला। प्यारे उल्लुओं, प्यारे उल्लुओं डरना नहीं, जल्दी चलो देखो बेटा अगला सवाल। धीरे धीरे आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, धीरे धीरे सीख जाओगे, डरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं बेटा, डरना नहीं। देखो अगला सवाल, परेशान नहीं होना, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा डरना नहीं, डरना नहीं, बता रहा हूं। कह रहा है बेटा कि टू स्लेट्स इनवाइटेड एसी Have weight in the ratio, have weight in the ratio 1 is to 25. Find I max upon I minimum। ये हमें सॉल्व करने को कहा गया है बच्चों। चलो बेटा सभी लोग ट्राई करें। प्लीज इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे। टू स्लेट से वाई डी एस सी है वेट इन द रेशियो 1:25। फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आसान है अगर आप सही से देखो तो। देखिए भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में है। आसान क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो दो स्लिट है उनकी वेट, तो मैंने आप लोग एक बार कराया था बेटा इंटेंसिटी, अगर किसी स्लिट से वेव निकल रही है बेटा तो इसमें जो इंटेंसिटी होती है बेटा
इंटेंसिटी जो होती है वो विड्थ ऑफ द स्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद करिए। तो I1 अपॉन I2 बराबर होगा बेटा W1 अपॉन W2, 1:25 यानी 1/25। अब याद करिए, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं I2 बराबर 25 I1, ऐसे लिखेंगे। अब याद करिए मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालना बेटा, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने बताया हुआ है। तो रूट आई वन, देखिए काम करिए, आई टू वैल्यू 25 आई वन यहां पुट कर दीजिए, रूट आई वन ठीक है, आई टू की वैल्यू 25 आई वन स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 रूट आई वन कर दीजिए, 5 रूट आई वन का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे रूट आई वन माइनस 5 रूट आई वन का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा बेटा, आसानी से बताओ। आई वन तो कॉमन लेके कैंसिल कर लो, क्यों भाई, 1 प्लस 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस 5 1 में से 5 जाएगा माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 कटेगा, 9 4 का 36, 4 4 का 16, 9:4 इज आवर आंसर। तो 9 अपॉन 4 ये हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, सीखने को मिल रहा है ना, आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा बेटा, डोंट वरी रहना, ठीक है ना। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे बनता है। जल्दी लिखो, हो गया, चल अगला सवाल बनाते हैं, ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, कह रहा है इन आइडियल मतलब आईडीएसी में व्हेन अ ग्लास प्लेट, देखिए बेटा क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, आईडीएसी में बेटा बहुत आराम से सुनना, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज में लिखा नहीं रहा, वो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा लेकिन बहुत टाइम जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजों को ऐसे समझो कि मैं बिल्कुल समझा रहा हूं, आप पूरी बात फोकस करो, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इन YDAC व्हेन अ ग्लास प्लेट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और थिकनेस टी इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स, किसी एक इंटरफेरिंग वेव के रास्ते में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और थिकनेस टी आपने रखा, ठीक है, द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमा अकर्ड प्रीवियसली रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा बेटा द इंटेंसिटी, लाइन लिख दे रहा हूं, द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन अनचेंज, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, ऐसा करके बोला बेटा, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, और मजे की बात है ऑप्शन सुनिए, फर्स्ट ऑप्शन है 2 लैम्डा, सेकेंड ऑप्शन है 2 लैम्डा/3, थर्ड ऑप्शन है 3 लैम्डा/3 और लास्ट ऑप्शन है लैम्डा। और अब मुझे ये क्वेश्चन बनाने को कहा गया है, ठीक है भाई,
आपको मैंने दिया 1 मिनट का वक्त, बनाइए जरा। आपको मैंने दिया 1 मिनट का वक्त, आप पहले अटेम्प्ट लीजिए, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। 1 मिनट का वक्त आपको दे दिया मैंने, जल्दी बनाना होगा लेकिन बेटा, टाइम ही ज्यादा लगाइएगा। हो गया, बना लिया, बनाया नहीं बनाया ये बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए मैं बताता हूं, बताओ, चलो सुनो। यहां पर बेटा अगर ये स्ट्रिक नहीं रहता बेटा तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता है, बताया मैंने। अगर ये स्लिट नहीं होता, सॉरी स्लिट होगा, स्लैब नहीं होता तो दोनों स्लिट सोर्स सिमेट्रिक है, उसी बोलते सोर्स सिमेट्रिक, और यहां से यहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता। लेकिन बेटा मैंने आपको फ्रिंज शिफ्ट वाले थ्योरी में ये समझाया था, जब ये टॉपिक समझाया था बेटा फ्रिंज शिफ्ट, तो मैंने बहुत क्लियरली समझाया था जिधर की तरफ आप स्लैब लगाओगे इंटरफेरेंस पैटर्न उधर ही शिफ्ट हो। अब आप सोचो इंटरफेरेंस पैटर्न इधर ही शिफ्ट हो, अब सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं यहां हो, तो कह रहा है बेटा कि सेंटर मैक्सिमा, अगर आप फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, देखिए कह रहा है द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमा कर्ड, यानी जहां पर पहले सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पर रिमेन अनचेंज, यानी इंटेंसिटी यहां पर अनचेंज है, मतलब पहले यहां सेंट्रल मैक्सिमा था, स्लर लगाए तो सेंट्रल मैक्सिमा खिसक जाएगा लेकिन इंटेंसिटी उतना ही है। तो सोचो बेटा अगर आप गौर से सुनो, क्या सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ डार्क होता है पहले तो, उसके बाद ब्राइट होता है बेटा, होता है दोनों तरफ ब्राइट, दोनों पहले जानते हो नहीं जानते हो, सही बता रहा हूं। सेंट्रल मैक्सिमा इधर डार्क, फिर इधर भी डार्क, इधर फर्स्ट ब्राइट, इधर फर्स्ट ब्राइट। सोचो अगर सेंट्रल मैक्सिमा खिसकेगा तो पूरा पैटर्न खिसकेगा ना भाई। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां गया तो इधर होगा डी वन, इधर होगा डी वन, और सोचो हो सकता है ब्राइट यहां है, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैविंग सेम इंटेंसिटी, या स्लैब लगाया लेकिन पता चला जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता था वहां इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब कॉमन सेंस क्या हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा पर खिसका तो नीचे वाले पैटर्न भी तो पर खिसकेंगे, इसका मतलब सर यहां पे कोई नीचे वाला मैक्सिमा या तो फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट या थर्ड ब्राइट कोई ना कोई यहां मैक्सिमा आ गया सर। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा पर खिसका, यहां हो सकता फर्स्ट ब्राइट आ गया होगा, तभी इंटेंसिटी जितना पहले था उतना अभी भी है। आ रही बात समझ में? अब बेटा एक बात मुझे समझाओ, एक बात मुझे समझाओ, अगर यहां मान लो फर्स्ट ब्राइट ही आया तो ये शिफ्ट का जो फॉर्मूला हुआ, बताओ फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला, मैंने बताया था बेटा स्लिट के आगे स्लैब लगाते हैं तो शिफ्ट का फॉर्मूला याद करो, शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया था, शिफ्ट का फॉर्मूला था न्यू माइनस वन इंटू टी एंड कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू में, बोलो बताया था नहीं बताया था, बताया था ना बच्चों शिफ्ट का फॉर्मूला बोला था, याद कर लो इसे। और ये जो शिफ्ट होगा कितने के बराबर होगा बेटा, तो कम से कम मान लो फर्स्ट राइट यहां पर आया, कुछ भी हो सकता है सेकंड राइट भी आ सकता है थर्ड राइट, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पर खिसकेगा तो नीचे के पूरे पैटर्न फ्रिंजेस भी तो ऊपर जाएंगे, तो यहां कोई भी आ सकता, हो सकता है फर्स्ट राइट सेकंड राइट, मतलब फर्स्ट राइट लेके बनाते क्वेश्चन, नहीं आएगा तो सेकंड राइट लेके बनाएंगे। अच्छा बताओ बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो याद करो दो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच के सेपरेशन को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या ये फ्रिंज विड्थ के बराबर है, तो यस सर फ्रिंज विड्थ के बराबर है, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, म्यू की वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 में से बन जाएगा 0.5 इनटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी, तो टी बराबर अगर क्या रहा है लैम्डा अपॉन 0.5, यू बन जाएगा 10, 5 टू जा 10, 2 लैम्डा को कम से कम थिकनेस होगा ही, मिनिमम थिकनेस का निकला कि स्लैब की थिकनेस 2 लैम्डा रखोगे सेंट्रल मैक्सिमा पर खिसकेगा, नीचे जो फ्रिंजेस है ब्राइट आर उसमें फर्स्ट ब्राइट यहां आ जाएगा,
तो इंटेंसिटी जो पहले यहां पर था उतना ही है, लेकिन सेंटर मैक्सिमा यहां से आ गया। तो 2 लैम्डा मिलाते हैं ऑफसेट, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 3, 2 लैम्डा तो सबसे मिनिमम थिकनेस है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, ऐसा गलत है, 2 लैम्डा आंसर है। तो हमारा आंसर होगा ए, नहीं। नहीं आया, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। डरना नहीं बच्चों, डरना नहीं, डरना नहीं है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। लिख लिया, चलो भाई आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़े। ठीक, मिटा दूं। तो ये सवाल आप लोगों ने सीखा, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान दो, कहता है द इंटेंसिटी, द मैक्सिमम इंटेंसिटी, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDAC एज आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना बेटा आई नॉट, ठीक है। फिर बोलता है स्मॉल डी इक्वल टू 5 लैम्डा, स्मॉल डी कितना बेटा 5 लैम्डा, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, What will be the intensity in front of one of the slits placed on the screen placed at a distance कैपिटल D इक्वल टू 10 डी। ऑप्शन नंबर टू, फर्स्ट ऑप्शन आई नॉट, सेकेंड ऑप्शन आई नॉट बाई 4, थर्ड ऑप्शन 3 I0/4, लास्ट ऑप्शन I0/2। बनाए, जल्दी बनाए। आपको मौका दिया बनाने का, 1 मिनट कोशिश करो बच्चों। बनाओ जल्दी, डी ऑप्शन होगा, कुछ लोग बोला डी ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं, बनाकर देखते हैं क्या आता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDAC इज I0,
अच्छा d इक्वल टू 5 लैम्डा, d इक्वल टू 5 लैम्डा, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस d इक्वल टू 10d। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो ये स्लिट है YDSC में, S1 और S2 कुछ नहीं बोलता, इक्वल विड्थ का मानते हैं, स्क्रीन है कुछ नहीं बोला, सोर्स सिमेट्रिक, लाइट ऐसे निकली, ओके। स्मॉल डी दिया 5 लैम्डा, यानी कि दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 5 लैम्डा है, ओके। और ये कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना बेटा, कैपिटल डी दिया 10d, ओके। अच्छा और क्या पूछ रहे हो भाई, तो बोला स्लिट के सामने इस पॉइंट पर आओ बताएं इंटेंसिटी, आओ बताएं इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, बच्चों जल्दी बताओ इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। एक काम करते हैं ना, ऐसे करके ये पहुंचेगा, क्या हमने पढ़ा पाथ डिफरेंस के लिए, ये थीटा ऐसे बनाते थे बच्चों, जल्दी बताओ ऐसे करते नहीं करते थे। अच्छा सर बहुत बढ़िया, क्या ये डी साइन थीटा होता था, यस ये डी साइन थीटा होता था, तो पार्ट डिफरेंस के लिए हम लोग लिखते थे डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस तो डी साइन थीटा है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मिल गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई नो, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा है, व्हाट विल द इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करूं, कितना था, मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर 5/2 फेज डिफरेंस बाय 2 है ना, ये था फेज डिफरेंस, कैसे निकलेगा बेटा, पार्ट डिफरेंस से निकलेगा, निकलेगा ना, अच्छा तो पार्ट डिफरेंस से निकलेगा सर। चलो थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है वो डी बाय 2 है, क्योंकि डी का वाला डी बाय 2 और ये 10d है, ठीक है बेटा, ओके। क्या साइन थीटा को टेन थीटा लिखते हैं, तो यस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी बाय 2 अपॉन 10d, डी से डी कैंसिल, सही है ना, सब कुछ तो ठीक है, और डी की वैल्यू कितना 5 लैम्डा है ना, डी की वैल्यू 5 लैम्डा है ना, अपॉन 20 लैम्डा बाय 4 और डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, तो फेज डिफरेंस, तो सिंपली फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल पाई बाय 2, तो यहां पर लिखेंगे पाई बाय 2 पाई बाय 4, अरे यार लिखो यहां तक, जल्दी पहुंचो बेटा, बताओ क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर मैक्सिमम आई बराबर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आई नॉट है, कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू कितना बेटा, 5 की वैल्यू पाई बाय 2 आया ना, पाई बाय 2 आया, अरे 2 पहले से तो पाई 2 टू का 4 और कॉस 45 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, अरे वाह ये तो आई नॉट बाय 2 आ गया, तो डी ऑप्शन है जिसने कहा था ठीक कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, घबराने का नहीं, ठीक है घबराने का बिल्कुल नहीं, चलो अगला सवाल बनाओ, परेशान मत होना इधर ही, ठीक है चलो मिटाते हैं अगले सवाल को, देखना डरना नहीं बिल्कुल, डरना नहीं बिल्कुल,
चलो बेटा बिल्कुल गौर से देखना, क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, पहले डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? चलो देखिएगा डायग्राम क्या बेटा, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको दिख सके। फॉर्मूले में क्या आपको दिखता नहीं है, दिक्कत इसी बात का है। स्मॉल डी वैल्यू दिया है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बड़े प्यार से, बड़े प्यार से कह रहा है इन YDAC पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट है बेटा, ऐसे आ रहा ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी वेवलेंथ कितना बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम। डरना नहीं, मैं बना दूंगा, टेंशन मत। कह रहा है इज इंसिडेंट ऑन द स्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री। ए एंड बी आर द टू ट्रांसपेरेंट फिल्म्स। यहां पर बेटा ए और बी दो ट्रांसपेरेंट फिल्म्स लगा दिया, स्लिट लगा दिया, समझो। ए एंड बी आर द टू थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म्स, इच ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ये ए है, इस फिल्म को ए बोला गया बेटा 1.5, जिसका 1.5 इसका भी है, 1.5 इसका भी। इसकी थिकनेस दी गई है 20.4 माइक्रोमीटर। ये किसकी थिकनेस है बेटा, ऊपर वाले की, इसको S1 के आगे वाला स्लैब समझ लो। S1 के आगे वाला जो स्लैब है, सॉरी जो स्लैब है, हाँ छोटा सा पतला सा फिल्म है, उसकी थिकनेस दी गई है, इसकी थिकनेस की कोई चर्चा नहीं है। बोला लाइट कमिंग थ्रू ए, यानी S1 से जो आ रही लाइट, इसमें जो लाइट है बेटा वो आई है, और इससे जो लाइट आ रही है 4I है, ओके। तो बोलता है इंटेंसिटी एट पॉइंट O व्हिच इज सिमेट्रिक रिलेटिव टू द स्लिट्स इज 3I। यहां पर बेटा, यहां पर इंटेंसिटी जो O पॉइंट पर है वो 3I है, इस पॉइंट पर 3I मिल रही है, कितनी इंटेंसिटी मिल रही है 3I, ठीक है। तो बोलता है 3I द सेंट्रल मैक्सिमा इज अबव O, और सेंट्रल मैक्सिमा O से ऊपर है बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा कहा बेटा, O से, ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर में मिलने से गड़बड़ है, कुछ यहां पे ऊपर है, O से ऊपर है। अच्छा सर, तो बोलता है फर्स्ट व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ बी टू डू सो, यानी बेटा हमें इसकी थिकनेस निकालनी है दूसरे वाले की। इस स्लिट को ए और बी बोला, मैंने S1 H2 मान लिया, इसकी थिकनेस निकाल दी, जो H2 के आगे फिल्म है उसकी थिकनेस निकाल ली, अज्यूमिंग थिकनेस ऑफ बी टू बी दैट फाउंड इन पार्ट ए, ठीक है। मतलब बेटा दोनों अगर ऐसे थिकनेस निकाल दी, आगे क्वेश्चन भूल जाओ। अच्छा तो बना दू, सेंट्रल मैक्सिमा ठीक इसके ऊपर है ना बेटा, यहां इंटेंसिटी 3I। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पहली बात तो बेटा लाइट ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ओ माय गॉड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा सर, तो पहले तो यहीं पर पार्ट डिफरेंस हो गया, ऐसे 90 डिग्री खींचो, ये एक्स्ट्रा चला बेटा, ये एक्स्ट्रा चला है ना, हाँ सर ये एक्स्ट्रा चला है, कितना होगा ये निकालो पहले, ये 30 है तो क्या ये 60 डिग्री होगा। डरना नहीं आप, अटेंड मत लो, मैं सिखा रहा हूं, अटेंड मत लो, मैं सिखा रहा हूं। इसको P मान लो, PS1, ये लाइट दोनों साथ साथ यहां पहुंचे, ये एक्स्ट्रा इतना चला है, ओके। ये डिस्टेंस निकालो पहले, कैसे निकालो बेटा, ये 30 है तो ये 60 हो गया हमारा राइट, और ये डी है तो देखो ये स्मॉल डी है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस वो मानो, टेंशन नहीं लेना। तो देखो ये ट्रायंगल अगर हम ध्यान दें तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, जिससे मतलब कि ये बेस है और हाइपोटेनियस है। तो अगर हाइपोटेनियस मालूम होता, अगर कोई बोलता है बेटा कि ये 60 डिग्री है और ये हाइपोटेनियस डी है, व्हाट इज द बेस, तो बेस cos 60 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस डी, तो डी cos 60 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा D/2, एम आई राइट, ये डी cos 60 होगा। अरे यार इतने जिससे पढ़ रहे हो उसको सोचो, 60 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस डी है तो बेस कितना होगा डी cos 60, तो D/2। अच्छा घबराना नहीं, यही करूंगा। अब एक बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, हमें यहां पर 3I दिया है और मुझसे क्या पूछा है, बोला है थिकनेस निकालो। देखो बेटा लाइट यहां से आई थी, ऐसे करके यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, यहां पर रिजल्टिंग इंटेंसिटी दिया है, दिमाग में रखो
रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस, देखो सिंपल सी बात है, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3 आई है, दिमाग में पहले स्ट्रेटजी बनाओ, 3 आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिया है सर, अच्छा सर I1 आने वाले स्ट्रेट की इंटेंसिटी I1 की जगह I प्लस I2 की जगह 4 I, ठीक है, प्लस 2 रूट I1, I1 की जगह I रूट I2 4 I, बिल्कुल घबराना मत, इनटू cos phi, मैंने ये फॉर्मूला बताया इस पॉइंट तक किसी पॉइंट का रिलेटेड इंटेंसिटी। अब यहां पर बेटा 3i इक्वल टू i प्लस 4i द 5i प्लस 2, देखिए 4 का रूट 2 हो गया, 2 जा 4 रूट i i cos phi, बिल्कुल घबराना नहीं है, यहीं पर हूं मैं, है ना, कैसे बना हुआ देखो, i से i कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 5 गया माइनस 2 बराबर 4 cos phi, cos phi बराबर कितना होगा बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, cos phi बराबर कितना होगा बेटा, 4 नीचे जाएगा 2 by 4 minus 1 by 2, क्या बात है, phi की वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री, में जाकर बेटा कितना लिख सकते हैं 2 pi by 3, क्योंकि pi by 3 60 जा 120, सोचो लाइट वेव जब यहां पर आ रही है तो फेज डिफरेंस इज 2 pi by 3, तो पार्ट डिफरेंस निकालो, पार्ट डिफरेंस डेल्टा x बराबर क्या होता है, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस निकालना है डिस्टेंस, तो लैम्डा ऊपर अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय 3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 3 इज द पार्ट डिफरेंस, सोचिए पार्ट डिफरेंस यहां तक लैम्डा बाय 3, तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, याद करो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े डिस्टेंस में देखो जब भी ऐसा होता है सिमेट्रिकली नहीं गिरता अगर लाइट तो क्या करते हैं, बिल्कुल इनिशियल से यहां से देखते हैं, यहां तक साथ चला, ये इतना दूर चला, अच्छा ये एक्स्ट्रा चला, इतना चला, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम लग रहा है, तो बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस घटाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना बेटा d by 2, देखो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले ये बड़े डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाएंगे, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, बड़े डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाना है, क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस कितना ps1 कितना है d by 2, अभी समझाया ना cos 60 की 1 by 2 d by 2, फिर यहां से आता है s1 से होता है, तो s1 को अब याद करो बेटा, मैंने बताया था जिस लाइट के रास्ते में कोई स्लैब आएगा तो म्यू माइनस 1 जोड़ देंगे, चलिए इसका म्यू कितना 1.5 में से बन जाएगा 0.5 इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना है 20.4 माइक्रोमीटर, अब इसको t1 मान लेते हैं, बाद में t1 की वैल्यू पुट करेंगे, t1 बोलो यहां तक पहले ये डिस्टेंस समझना है, बहुत आसान है बेटा, यहां तक है तो ये डिस्टेंस लिखना पहले PS1, ये तो आपको समझा ही दिया, ये d है ये 60 डिग्री, तो d cos 60, cos 60 1 by 2, फिर ये S1 हो, अब मैंने बताया था जिस लाइट के रास्ते में ग्लास लग जाए उसमें म्यू माइनस 1 ऐड करना, म्यू का मतलब 1.5 में से बन गया 0.5 इनटू d, अब माइनस करेंगे ये वाला H2O, लेकिन H2O के आगे क्या लगा बेटा स्लैब लगा ना स्लैब, मैंने बार बार बोला जिसके आगे स्लैब उसमें म्यू माइनस 1 जोड़ो, म्यू की वैल्यू 1.5, यहां जोड़े मतलब माइनस करें माइनस आएगा 0.5 pt, घबराना नहीं है, पार्ट डिफरेंस मैंने लिख लिया, समझना ना पार्ट डिफरेंस, ये पाथ में से ये पाथ घटाया है, ये लेंथ में से ये लेंथ घटाया, बात खत्म, और पार्ट डिफरेंस पहले से कितना पता लैम्डा बाय 3 या लैम्डा बाय 3, टेंशन नहीं लेने, अगर आप खोपड़ी लगाओ क्या S1O और H2O बराबर लेंथ के हैं, जितना लेंथ ये ज्योमेट्रिकल लेंथ इस लाइन की जो लेंथ होगी वही लाइन की लेंथ है, तो S1O और H2O कैंसिल आउट हो गए, और अब देखो बेटा मुझे क्या निकालना है, टी2 निकालना है, T1 तो मालूम है, इसको मैंने T2 मान लिया है, टेंशन मत लेना, D मालूम है, देखो D मैंने पहले कितना मान लिया 0.5 मिलीमीटर, चलो भाई और आंसर दिया माइक्रोमीटर में, हम आंसर माइक्रोमीटर में देना, टेंशन नहीं लेना, एक काम करें इसको निकालना है, जिसको उठा के इधर तो लैम्डा बाय 3 को इधर 0.5 T2 बराबर, टेंशन नहीं लेने का, पहले लिखो D बाय 2 प्लस 0.5 T1 और ये इधर आएगा माइनस लैम्डा बाय 3, अब वैल्यू पुट करें प्यार से, बिल्कुल डरना नहीं, 0.5 को 1 by 2 कर लूं, वी आर स्मार्ट पीपल, 1 by 2 कर लेता हूं, यहां 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 2 2, ठीक है, पहले आप लिखो बेटा, सॉल्व कर देता हूं, टेंशन मत लो, टफ लगा ना, बल्कि अगर आप सही से देखो तो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर है ना, मुझे यहां पर का इंटेंसिटी मालूम था तो मैंने यहां पर इंटेंसिटी के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा के फेज डिफरेंस निकाल लिया, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, और पार्ट डिफरेंस याद था सिंपल, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस,
लिखो। तो बेटा cos 120 की वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो कैसे चलेगा काम? वैल्यू दी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, परेशान मत हो। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप कर लिया ताकि आपको बना के दिखा सकूं, परेशान मत हो, सीखो जल्दी लिखो। पहले जल्दी हो गया। चल अब देखो बेटा, यहां पर मैं मिटा के इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं। यहां पर T2 की वैल्यू D की वैल्यू कितना बेटा? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को 10^-3 मीटर और 1 पॉइंट का मतलब 10^-1 10^-4 ऐसा मैं मान लेता हूं कि आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। T1 कितना बेटा? 20.4 माइक्रोमीटर। 20.4 इंटू 10 माइक्रो मतलब 10^-6 -2 λ/3। लैम्डा की वैल्यू कितना बेटा? 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10^-10। पढ़े लिखे हो, कैलकुलेशन समझना, घबरा मत जाना कि हे भगवान ये 2000 होगा। ओके अब 10^-4, चलो 10^-4 के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो डेसिमल उठा के इधर लाएंगे, 0.204 इंटू 10^-4 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल इधर हटेगा तो बेटा 100 कम हो जाएगा माइनस, और यहाँ 4000 है इंटू 10^-10। पहले तो 3 जीरो उठा दो, 3 इंटू 10^-10 प्लस 3 माइनस 7, यहाँ 0.4 समझ लेंगे। ठीक है, 10^-4 है, 10^-4 वहां नहीं है, 10^-4 कॉमन लो तो कितना आएगा? 1+0.204 माइनस, यहां पर -3 आएगा ना बेटा, -3 का मतलब 0.004। अब ये ऐड कर लेते हैं एंड वी हैव द आंसर। बताओ कितना आएगा? 10^-4 कॉमन लेंगे, ये पहले तो ऐड करेंगे ना, 1.204 में से 0.004 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? तो 4 में से 4 गया 0, मतलब 1.2 बचेगा, तो 1.2 इंटू 10^-4। अगर माइक्रोमीटर में आंसर देना है तो यहां -2 तो यहां +2,
यानी 120 माइक्रोमीटर। सोचो सोचो सोचो, 100 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो से डेसिमल हो गया 120 माइक्रोमीटर, 120 माइक्रोमीटर। मिला लो आंसर, चलो चलो बच्चे बोल रहे सर मिला के तो दिखाओ। मैंने बनाया थर्ड, मैंने बनाया, जो से बोला मैंने बनाया थर्ड 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 थर्ड। अरे यार आंसर दिया 0.12 नैनोमीटर। अच्छा यही बात है, यही बात है, यही बात है, परेशान नहीं होने का, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने आपको पहले तो ये क्वेश्चन कराया, कैसा लगा, इंटरफेरेंस के सवाल कराए, सवाल और भी है, आप अपना बनाइएगा और पूछिएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा कल से मैं पढ़ाऊंगा पोलराइजेशन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा कल से? पोलराइजेशन। एक दिन का लेक्चर है मैक्सिमम, एक दिन का लेक्चर है, एक दिन में पोलराइजेशन कंप्लीट। पोलराइजेशन में क्वेश्चन बहुत कम मिलते, एक आध दो ही रहेगा, और फिर उसके बाद एक दिन का डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म होने के कगार पे है, ऑप्टिक्स फिनिश होने के आ गया, ठीक है, एंडिंग का टाइम आ गया। लेकिन कल पहले पोलराइजेशन पढ़ते हैं, और जो भी पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करते रहना। ओके थैंक यू, आज नहीं।